बिहारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। मकर राशि वालों, आप बेकारी, बेरोजगारी, साधनहीनता से जूझ रहे हैं। व्यवसाय नहीं होने, आर्थिक समस्या ना होने, साधन न होने, निराधार होने से बेबस नजर आ रहे हैं। पूर्ण रूप से अर्थ उपार्जन में असमर्थ हो गए हैं। दरिद्रता पांव पसार कर बैठ गई है। 2022 का आखिरी महीना आपके लिए भाग्योदय बनकर आ रहा है, यानी कि कम से कम परिश्रम से ज्यादा धन लाभ, ऐश्वर्य, सुख, वैभव, संपन्नता प्राप्त होने वाली है। जीवन अब परेशानी पूर्ण समस्याओं से ग्रस्त और चिंतित नहीं रहने वाला। वाकई में आप जानना चाहते हैं जो 3 भविष्यवाणी सच होने वाली है तो वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि दिसंबर महीने में आपकी कुंडली में आपके खुद के राशि स्वामी शनि ग्रह देह भाव में योग कारक बनेंगे तो बुध ग्रह जय भाव भाग्य भाव के लोड होकर आपके खुद के द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र के साथ परिवर्तन योग बनाने जा रहे हैं, जिसके कारण बनेगा धमाकेदार सफलता का योग। मकर राशि वालों, वैसे तो मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है, वह शत प्रतिशत सच भी हुई है। हाल ही में 11 नवंबर की वीडियो में मैंने कहा था पूर्व भारत और उत्तर भारत में 3 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस हो गए और आप देख भी सकते हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए थे, उनका केंद्र ऋषिकेश रहा था, तो 16 नवंबर को मंडी जिले के योगेंद्र नगर में भूकंप का केंद्र रहा था। अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2022। मकर राशिफल दिसंबर 2022 आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करने वाला महीना रहने वाला है, क्योंकि आप पूरे दिसंबर महीने के दौरान अपने कर्तव्यों के प्रति सजग व सचेत रहते हुए कार्य पूरी ईमानदारी से करने में समर्थ रहेंगे, जिसके कारण आपको लाभ एवं उन्नति प्राप्त होने वाली है। हम जानते हैं कि आपकी नज़र प्रसिद्धि के शिखरों, उपलब्धियों व अपने सही मूल्य की पहचान बनाने पर टिकी हुई है और जिंदगी में आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए इस महीने में आप जी जान से जुड़ भी जाएंगे और उसका लाभ भी आपको कार्य में सफलता, व्यापार में प्रगति, तो प्रेम जीवन एवं दाम्पत्य जीवन में खुशी के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। 1 दिसंबर से ही आप अपने शत्रु और विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रहते हुए साथियों व सहकर्मियों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहेंगे। मकर राशि के जो जातक समाज में सलाहकार, बीमा एजेंट, वस्त्र व्यापारी, चिकित्सक, अध्यापक एवं मैनेजर के तौर पर कार्य कर रहे हैं, वह ढेर सारा धन प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपको किसी अच्छी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ जॉब भी मिल सकती है। यदि दिसंबर महीने में नौकरी पेशा व्यक्ति नौकरी नहीं बदलेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि प्रमोशन सैलरी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। 4 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच कार्य से वंचित एवं पेशेवर सेवाओं में है उन्हें भी लाभ की संभावनाएं दिख रही है। जहां आपको अच्छे ग्राहक मिलने के योग बन रहे हैं तो इच्छित जगह पर कार्य नौकरी मिलने से आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से बदल सकती है, जिसका लाभ आपको पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। जो जातक निर्माण कार्य से संबंधित व्यवसाय करते हैं या फिर शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, आयात निर्यात, ई कॉमर्स, परिवहन एवं होटल उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बड़े लाभ की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि स्थितियां एकदम से ही बदल जाएगी। हाल ही में जिन मकर राशि के जातकों ने साझेदारी में व्यवसाय शुरू कर दिया है या फिर अब आपने नया स्टार्टअप शुरू किया है तो अब अपने जीवन में परिवर्तन अपनी खुद की आंखों से स्वयं देख सकेंगे। 13 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच काम और दिल बहलाव दोनों ही स्तरों पर सफलता और संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि वाद विवाद एवं दुर्घटना आदि के कारण परेशान थे, पैतृक धन एवं कुटुंब से जुड़ी परेशानियां चल रही थी तो उनसे अब पूर्ण रूप से निजात मिलने जा रही है। सरकारी कामकाज में चल रही परेशानी खत्म होगी। जिस प्रॉपर्टी को बेचकर आप लाभ की उम्मीद कर रहे थे वह संभव होगा। इसके साथ साथ दिसंबर के मध्य में आपको कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कार्य संबंधी बड़ा लाभ होने के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार के शोध कार्य से जुड़े हुए हैं तो मेहनत का फल मिलने वाला है। खासतौर पर वाणिज्य, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, IT, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल से जुड़े छात्र लाभ प्राप्त करेंगे तो विदेश में जाने का, पढ़ने का, धन प्राप्त करने का भी सपना पूर्ण हो सकता है।
दोस्तों यह समय न केवल आनंद लेने का है, मनोरंजन का है। यदि आप युद्ध स्तर पर अपने काम में जुड़ जाएंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि साझेदारियां कायम होने के संकेत है। यह आपको गति प्रदान कर सकते हैं। आपके राशि स्वामी भी आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में चमक आएगी और यह आपको स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के लाभ के लिए उपलब्ध रहेगी। भाग्य के प्रबल योग के चलते ही आप 11 दिसंबर के बाद धन की बचत अथवा तो आय के स्रोतों का सृजन करने के लिए पैसों का निवेश कर सकते हैं। नई संभावनाएं जन्म लेगी तो किसी विशेष व्यक्ति, प्रियतम व ससुराल पक्ष से भी किसी का सहयोग आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बन सकता है। यदि आप परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं और सरकारी पदों पर कार्य करने की इच्छा रखते हैं तो वहां पर विजय होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। प्राइवेट क्षेत्र में स्थित जातक भी लाभ ले सकते हैं तो पारिवारिक छुट्टी यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। किसी अच्छी जगह घूमने का अवसर मिलेगा और वह अपनों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। खासतौर पर दिसंबर में एक ऐसा मौका भी आएगा जब आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं और वह इनके लिए हाँ में भर सकता है। खासतौर पर जिनके पास धन, खूबसूरती, जायदाद, प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी अच्छे रिश्तों की तलाश में है, उन्हें निश्चित तौर पर शादी का प्रस्ताव मिलेगा। हालांकि 22 दिसंबर के बाद रिश्ते के अलावा नया रिश्ता भी बनने के योग बन रहे हैं। कोई पुराना पार्टनर भी अचानक से आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है, तो जिनके माता पिता कोई पदों पर स्थित है उनके लिए भी परिवर्तन लाभ के रूप में बड़ी खुशी घर पर दस्तक दे रही है। जो छोटे छोटे कार्य में कार्यरत है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी किस्मत का द्वार खुल सकता है। इस महीने धन में वृद्धि होगी तो संभवतः किसी नई कार्य से भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि पूरे दिसंबर के दौरान आपको धोखेबाजों और बीच मझधार में साथ छोड़ देने वालों के प्रति सतर्क रहना होगा। पीठ पीछे होने वाली हरकतों पर नजर रखने का समय अब आ गया है। दोस्तों मैं हमेशा से ही कहता हूँ, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। 34 के कई महायोग है जो लोगों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। यह था मकर राशि फल दिसंबर 2022 इन हिंदी। अगले महीने फिर मिलेंगे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।